नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। खबर राजधानी भोपाल से। भोपाल कोरोना वैश्विक महामारी में कोविड-19 कर्मचारियों द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपना तन मन से समर्पित होते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। भोपाल कोरोना वैश्विक महामारी में कोविड-19 कर्मचारियों द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपना तन मन से समर्पित होते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और WHO ने स्पष्ट किया है कि शीत ऋतु में कोरोना के मरीज की संख्या दुगनी होने वाली है। लगभग 6,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उनका कार्य बहुत ही तेज गति से यदि कर्मचारी को निकाला जाता है तो स्वास्थ्य सेवा पर बहुत ही भारी असर पड़ेगा। हम सभी कर्मचारी आत्मा से स्थायी रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। जितेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना वायरस इस महामारी में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने 50% कर्मचारियों को निकाल दिया है, ऐसे में अब हम कहां जाएं और क्या करें समझ नहीं आ रहा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की मांग की है। उन्होंने कहा अगर कल तक उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है तो वे अमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठेंगे। संवाददाता साउथ सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। प्रेसिडेंट, कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के लिए आया है। विगत हम लोग 9 महीने से कोरोना जैसे महामारी में काम कर रहे हैं। अभी 27/11/2020 को एक आदेश पारित किया है NHM छवि भरद्वाज मैडम ने कि 50% स्टाफ को निकाला जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारे जितना भी स्टाफ को निकाला गया है इनको पुनः उसी स्थान पर काम करने के लिए दिया जाए और जो स्टाफ है उनको नियमित किया जाए। कितने लोग थे इसमें? अभी केवल हम 6213 लोग हैं। इससे पहले भी आप सांसद से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला था, उन्होंने क्या कहा था और आज फिर से आने की क्यों आपको जरूरत पड़ी? इसके पहले हम 1 नवंबर को BJP कार्यालय आए थे। BJP कार्यालय में हमको पुलिस ने घेर लिया था और पुलिस के घेर लेने के बाद उन्होंने एक डेलीगेशन बना के माननीय जॉब नहीं जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री उपचुनाव के समय जहाँ जहाँ पूरे मतभेद में गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के आए हैं कि इन कोरोना योद्धाओं को कोई नहीं निकाल सकता जब तक मामा है आपका। लेकिन मामा के होते हुए भी 50% स्टाफ को छटनी कर दिया गया है। तो हमारी मामा से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जितने लोग छटनी हुए हैं उनको तुरंत रखा जाए और जितने 6200 लोग हैं सभी को नियमित किया जाए। किन किन स्थानों से लोग? इन्होंने रोक लिया, बोले यहाँ 144 लगी हुई है, आप लोग नीलम पार्क में जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। जब तक हमारी बात मामा से नहीं होगी हम लोग भोपाल से नहीं जाएंगे। यदि हमारी आज शाम 5 बजे तक मामा से मुलाकात नहीं कराती तो कल हम लोग नीलम पार्क में आवरण अनशन में बैठेंगे। यदि आवरण अनशन बैठते समय किसी की तबीयत खराब होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सब माननीय जो यहाँ का प्रशासन है और माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुशवाहा कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन प्रदेश अध्यक्ष। डेलीगेशन को किसी जिले से 10 लोग, किसी 20, किसी 30 लोग आ रहे हैं। अभी हमारे रास्ते में सभी लोग आ रहे हैं। 12 से 1 बजे तक में यहाँ 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे और इस बीच यदि किसी तरह की क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। मैं कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ, होशंगाबाद से जिले से। यहाँ पे हम समस्त जिले से आए हुए हैं कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के तत्वाहन में और हम यहाँ पे जो भर्ती हुई थी उसके विरोध में आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमको नियमित या संविदा में सम्मिलित करें। इससे पहले भी हम आ गए हैं, उस समय हमको आश्वासन दिया गया था कि आपको नियमित कर लिया जाएगा। यस, प्रज्ञा दीदी से मिले थे, उनने भी अभी भी आश्वासन दिया है कि आपका जल्द आपको नियमित या संविदा में सम्मिलित कर लेंगे। अभी आपको क्या लग रहा है? हमको अभी तो कोई आश्वासन नहीं है, तो सभी में नर्सिंग स्टाफ बेरोजगार हैं तो बस रोड पे बैठे हैं। उस समय जब कोरोना था जब बोलते थे सफ़ेद कोट वाले आज भगवान होते हैं, आज सफ़ेद भगवान कोट वाले भगवान आज रोड पे बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।